हमें तो लगता है हमें कच्चे बनियान का धंधा बंद करना पड़ेगा। लोग माल उठा लेते हैं लेकिन पेमेंट देने के टाइम पे कम बहुत पिछवाड़ा दिखा देते हैं। 50,000 रुपये का उधार है लोगों पर, अगर समय पर पैसा मिल जाता है तो कितना काम आता है। हाय दिया, इका मत बोल तो ई है लड़के भैया कि आपके ग्राहक आपको पैसा ही नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? और तो का वो आपका पैसा मार लेंगे का? अरे नहीं मारेंगे नहीं, लेकिन समय पर पैसा नहीं दिया तो फिर क्या फायदा। अगर पैसा टाइम पे मिल जाता है तो काम आ जाता है ना पगली। ऐसा कुछ ना ये लड्डू के भैया, अम्मा जी बोलती हैं कि पैसा अगर होता है तो काम ही आता है। लेकिन पैसा है कहाँ? पैसा भी भाभी जी की तरह है, पास होते हुए भी नहीं है। अका बोले तुम हर बात सुन लो। हमारी किस्मत पे पता नहीं किसने कील ठोक रखी है पगली, पैसा आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सच कह रहा है तू बैल। एक और आगे आग में हमरे कोनो दुश्मन ने तुम्हारे ऊपर कांड कर दिया है। क्या? अपनाम करे अम्मा जी? खुश रहो, खुश रहो। कैसन बा? ठीक बा बहुरिया, लेकिन ये बैल की कुंडली में सितारे कछु गड़बड़ चल रहे हैं। पंडित रामफल बता रहे थे कि पिछले 3 महीने से शनि भगवान का उल्टा दृष्टि पड़ा हुआ है कि कुंडली में, वो भी के धन वाले घर में। तो शनि भगवान की दृष्टि हटाओ ना अम्मा। इका कोनो घर का पंचायत है, जो हटा दो जब चाहे तब है। जब कोनो ग्रह रूठ जाते हैं ना तो उसका सेवा पानी करके मनाया जाता है। अच्छा सेवा पानी करना है? हाँ। तो का करे, कछु बोतल बोतल मंगवा के पार्टी शार्टी कर ले, या फिर कोई नचनिया नचवानी है तो उसका भी इंतजाम हो जाएगा। अरे दिया वाह, क्या बात किया हमरा बिटुआ, आशीर्वाद ले आजा आजा। अरे तेरा है ऐसा बात कर रहा है तू है? इका कोनो वो डेबिट बुढ़ऊ है जो तू पार्टी करेगा? अगर नाराज हो गए ना तो बैंड बजा के रख देंगे तुम्हारा ग्रह। आज तक जिंदगी में तुम्हारे ग्रहों ने तो हमारी बैंड बजा के रखी हुई है, इसके अलावा किया का है? तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे भाई भतीजे हैं वो लोग हैं। पंडित रामफल की दृष्टि से देखे तो कुछ ऐसा ही है। देख रही है बहुरिया कैसे अपने माँ के साथ टिंगल कर रहा है। दिया काय उंगल कर रहे हो? टिंगल होता पगली? ऐसे ही पकड़े हैं। दिया काय अम्मा जी जो बोल रही हूँ कीजिए ना लड़के भैया। अच्छा बताओ क्या उपाय है अम्मा? देखो तुमको किसी जरूरतमंद को जो है आप बढ़िया से बिठा के खाना वाना खिलाना है और उनके हाथ में इज्जत से 1.5 लाख रुपया रख देना है। 1.5 लाख? अरे तो बहुत ज्यादा है अम्मा। देखो बहुरिया, सब्जी में जितना मसाला डालते हैं उतना ही स्वाद होता है कि नहीं? हाँ वो तो है। तो फिर? तो उससे हमरा का फायदा होगा? 3 दिन के अंदर तुमको 1.5 करोड़ का फायदा होगा। इसका गारंटी है अम्मा? अरे पंडित रामफल का बात पूरा पत्थर का लकीर होता है, और अगर ये उपाय तो बढ़िया से कर लिया ना तो फायदा ही फायदा है। लड्डू के भैया कर लीजिए ना ये, अम्मा जी बोल रही है ना कि आप रोडपति बन जाएंगे। रोडपति नहीं बनना है, करोड़पति बनना है। ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा। हम भगवती जी को 1.5 लाख रुपया दिए हैं, उनको जरूरत थी, कहो तो मांग ले। नहीं नहीं बिल्कुल पैसा वापस नहीं मांगना, बल्कि हम तो कहते हैं नल्ला घर पे बुलाओ, बढ़िया से दावत पानी कराओ का। चलो ठीक है अम्मा, अपने फायदे के लिए तो हम गधे को भी बाप बना लेंगे। बिल्कुल पंडित रामफल पे हमारा मतलब अपने बाप पे गया है। अम्मा जी समोसे बनाए का? बना बना।
अरे बॉस, हमारा हिस्सा हमको दे दो यार। हिस्सा? कैसा हिस्सा? कौन सा हिस्सा? देखो फर्जी गले ना पड़ो और कट लो यहाँ से, हम तुमको नहीं जानते हैं। अबे अबे ये क्या कर रहा है यार, हमने पैसे बड़े उम्मीद से दांव पे लगाए। हाँ अबे पत्ते लेके पैदा हुए थे क्या जो हर बार जीत जाओगे? इंसान कभी कभी हार भी जाता है, हैं? चलो निकल लो पतली गली से। प्रेम तूने तो कहा था कि अबे मैंने कहा था, इसका क्या मतलब है बे? अगर मैं कहूंगा तू कुएं में कूद जा तो क्या तू कुएं में कूद जाएगा? गॉड, अब मैं 1.5 एल कहां से लाऊंगा? तिवारी जी तो मेरी इज्जत की बैंड बजा देंगे यार। जितने लगा उतने वापस कर दो हमारे यार। हारे हुए पैसे वापस नहीं होते हैं बे। चलो चलो निकलो, लेट हो रहा है। क्यों कर रहा है? शर्त ये है भभूति जी कि अगर आपने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम आपको सबके सामने वस्त्रहीन करके भोजन करवाएंगे। क्या बात कर रही है मीनल? अनुराग कल रात जुए में 5 लाख रुपए हार गया। ओह माय गॉड, तूने उसे घर से नहीं निकाला? अब हाँ वो भी बात सही है, अनुराग का माता भी तो करोड़ों में है ना। 5 लाख रुपए हार गया तो कौन सी आफत आ गई? आफत तो तब आती जब विभू हार जाता। अरे नहीं, मेरे पति के पास हारने के लिए ढेला तक नहीं है, 5 लाख रुपए का खा खारेगा। हाँ अच्छा सुन मीनल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, पता नहीं क्यों तिवारी जी फोन कर रहे हैं सेकंड लाइन पे। हाँ हाँ ठीक। हाँ तिवारी जी बोलिए। क्या कहाँ से बोल रहे हैं? घर के बाहर से? नहीं। अरे तो आ जाइए ना घर के अंदर। हाँ हाँ मैं घर पे ही हूँ, आप आइए आइए। ओके। तुम खाम का बुला रही हो अंदर, उनको पकाएंगे यार। अरे वो बोल रहे हैं कि मुझसे मिलना चाहते हैं, तो क्या मना कर दूं क्या मैं? देखो मैं अंदर जा रहा हूँ, जरा मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा शुगर लेवल लो हो गया। अरे दरवाजा तो खोल दो, वो लोग होंगे। नॉट फीलिंग टू गुड यार, चक्कर आ रहा है। सडनली इस आदमी का कैरेक्टर ना मेरे मेरे समझ के परे है, मेरा शुगर लेवल लो हो गया। हेलो भाभी जी। हेलो अनीता जी। हेलो हेलो, आप दोनों लोग एक साथ यहाँ, कोई खास बात है क्या? भाई दरअसल हम आपको हमारे यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करने आए हैं, तो आप हमारे यहाँ डिनर के लिए आइए। हाँ अनीता जी आप आइए और भभूति जी को भी साथ लाइए। हाँ जरूर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस कच्चे बनान के यहाँ डिनर पे तो नहीं जाऊंगा। साड़ी सी नहीं क्या बनी? अरे विभू सुनो ना, और तिवारी जी के डिनर पे कौन सी साड़ी पहन के जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेल्प मी ना। एक मिनट, तुम क्या पहन के जा रहे हो? आई विल मैच विद डायपर। व्हाट मतलब मैं नहीं जा पाऊंगा? क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि मुझे ना लूज मोशन शुरू हो गए हैं यार, डिसेंट्री हो गई मुझे। ऐसा क्या खाया तुमने कि तुम्हें लूज मोशन स्टार्ट हो गए? मैंने तो बस वही दो पतली पतली रोटी और कद्दू की सब्जी थी, अरहर की दाल थी, बस। एक मिनट, ये सब चीजें तो मैंने भी खाई थी। लेकिन तुमने कैरेट का और बीटरूट का जो सैलड था वो भी खाया था, वो मैंने नहीं खाया था। अरे भाई मेरे पेट में ना शायद गर्मी हो गई है। एक काम करो चलो वहाँ पे, कुछ खाना मत वहाँ पे ज्यादा। मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पैर ना बहुत कांप रहे हैं। जैसे कैसे कांप रहे हैं, अपर बॉडी भी कांपने लगी अब तो। ओह गॉड, कमजोरी 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 कमजोरी। किस टाइप के आदमी हो यार, कितने लूज टाइप के आदमी हो। मतलब अभी एक बार मुश्किल से बाथरूम गए होगे, तुम्हारी टांगे कांपने लगी। तुम ना झूठ बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहाने मार रहे हो।
मैं बहाने मार रहा हूँ, मैं बहाने मार रहा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है। अंदर से जो परनाले बहने की आवाजें आ रही थी वो झूठी थी, हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ, जाके चेक कर लो, अंदर छींटे पड़े हुए हैं। छी! और मुझे कोई आवाजें नहीं आई हैं परनाले बहने की। तुम्हें क्यों आएंगी हमारी आवाजें? तुम्हें तो हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं है। एक्चुअली पुराने तजुर्बों को ध्यान में रखते हुए आई एम सॉरी, ये सच है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। जिसे मुझ पर विश्वास नहीं है मैं उसके साथ जाके क्या करूंगा? एक काम करो, मत जाओ, यही रहो, बाहर में जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी, सिलेक्ट भी अकेले कर लूंगी, पड़े रहो। छी! अरे पगली, सब कुछ रेडी है ना? हाँ हाँ सब रेडी, बा देखिए ना। यार भभूति जी के लिए वो लौकी का हलवा उनका फेवरेट, वो रेडी? हाँ हाँ वो भी बना दिए। जब तक भभूति जी के मुंह में पहला निवाला जाएगा तब तक हम जो है वो चाचा जी और भाभी जी के साथ थोड़ा व्यस्त रहेंगे, मतलब उन्हें उलझा के रखेंगे, ठीक है? क्योंकि अम्मा ने बताया ना वो टोटका कि किसी जरूरतमंद यानी भभूति जी को जो है वो पहला निवाला खिलाना है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। हेलो, आ गए। हेलो अनीता जी, प्रणाम करे चाचा। खुश रहो बहू, खुश रहो। हेलो अंगूरी जी। भभूति जी कहाँ है? वो आ रहा है, आ रहा है। मेरी उससे बात हुई थी, वो ट्रैफिक में कहीं अटक गया है। कहाँ अटक गए? वो राम नारायण मार्केट में अटका हुआ है। हम भी तो वहीं से आ रहे हैं, वहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं, सब क्लियर है। अरे ट्रैफिक जाम होने में कितना टाइम लगता है, और खासकर कोई महिला अगर गाड़ी सीख रही हो तो। चलो कुछ खाते हैं। सब्र कीजिए ना, सब मिल बैठ के खाएंगे। अब तिवारी जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, हम लोग शुरू करते हैं, विभू आ जाएगा ना? भाभी जी क्या है कि हमारे घर की परंपरा है कि जब सब मेहमान आ जाते हैं तो फिर मिल बैठ के खाते हैं सब। तिवारी जी ये तो आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने अक्सर आपको अकेले खाते हुए देखा है। हाँ, वो तो है। नहीं भाभी जी, क्या आप रिश्तेदारों के साथ हमेशा तो बैठ के खाया नहीं जा सकता, उससे तो हम नुकसान में आ जाएंगे और टोटका पूरा नहीं होगा। अबे तू ऐसा बोल ना, ये परंपरा वरंपरा क्या बोल रहा है यार? अरे भाई, अब बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं उनकी बातों का पालन तो करना पड़ेगा ना। अरे यार हमें तो भूख लगी है यार। तू हाथ झटक रहा मार रहा है यार, क्या है तरीका ये? हम माफी चाहते हैं चाचा जी, क्या है कि ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम भभूति जी के साथ बैठ के सब खाएं। यार ये कचेड़ू मतलब भभूति में ऐसा क्या खास है यार, उसके साथ खा लेंगे तो क्या तर जाएंगे हम? आप ना तरे, हम तो तर जाएंगे। तिवारी जी, जी एक बात बताऊं? जी कहिए भाभी जी। विभू नहीं आएगा। हो गई तसल्ली, बस भभूति जी का इंतजार करते हैं ना। अरे यार जब कह रहा हूँ ना वो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन काहे नहीं आ रहे हैं, हम तो भभूति जी को हॉट भी नहीं किए। कुछ भी बोल, हॉट होता है ऐसे ही पकड़े हैं। हम तो उनको कछु ऐसा बोले भी नहीं कि उनको कोनो परेशानी हो या कछु बुरा लग जाए। अरे यार इस कच्चा बनियान ने कुछ कह दिया होगा, इन दोनों की तो कुछ चलती रहती है ना आपस में। भैया क्या बकवास कर रहे हैं, हमारे और भभूति जी के बीच में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने उन्हें हर्ट किया हो। तिवारी जी जाने अनजाने कुछ हो गया होगा ना, अब उस बात का बतंगड़ बनाकर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और ये आप लोगों में पहली बार तो हुआ नहीं है, अक्सर ही होता रहता है ना, तो फिर हम लोग तो शुरू कर। भाभी जी अगर हमसे कोई गलती हुई है
तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। दंडवत प्रणाम के साथ भभूति जी से माफी मांगने को तैयार है। तो कोई बात नहीं, कल मांग लेना। कल का है, आज का है नहीं। अक्का है ना, हम अभी जाते हैं भभूति जी को मनाने के लिए, उनको खुद ही अपने साथ लेकर आते हैं मनाकर। हाँ शाबाश मगली, जाओ जाओ। आप ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ। मच्छर यार, इतनी रात गए कौन हो सकता है? कौन है? हाय दिया, ये तो कौन औरत का आवाज है? और अनीता जी तो हमरे यहाँ बैठी है, तो फिर भरभूति जी औरत के साथ अकेले क्या कर रहे हैं? हम अंगूरी हैं, दरवाजा खोलिए। अरे भाभी जी, आप? हाँ, अबे हम कौन औरत का आवाज सुने कहाँ आए हो? भाभी जी, आप औरत को लेके मुझ पे शक कर रही हैं? जान का अच्छा लगा। हम नहीं, अनीता जी शक करेंगी। You're right, she sucked the juice out of my life. आप क्या बोले? अरे भाभी जी, आप वो शक कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, कहाँ है वो? भाभी जी, वो मेरी आवाज थी। कछु भी, हम इतने बॉडम लगते का औरत का आवाज सुने हम? वो मेरी आवाज थी। कौन है? हाय दिया, आप तो बहुत ही बड़े कलाकार हैं सच्ची। भाभी जी, आपकी मोहब्बत है, आई मीन आपकी चाहत है, अपना ये आपकी कृपा है। यस, ओ काहे लड्डू के भैया बुलाए हैं आपको, अबे चलिए। अनु गई तो है, मेरी क्या जरूरत है? नहीं, आपका आना भी बहुत ही जरूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ बहू, जब तक खजेड़ू आए तब तक कुछ स्टार्टर वगैरह खाते हैं यार, है ना? खा लीजिएगा ना, सब आपके लिए तो बनाए। नहीं, बनाया तो हमारे लिए, लेकिन तू खाने का दे रहा है भाई हमको? खिलाएंगे चचा जी, जरूर खिलाएंगे, हम आपके भतीजे का ही तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो आ रहा है ना, बुलाने गई अंगूरी। हाँ तो आने दीजिए ना भाभी जी, तो आ जाएंगे, उसके बाद खाएंगे। हाँ तो आ जाएगा। एक काम कर, जब तक नहीं आ रहा है तब तक तू पानी पिला दे भाई, तब तक पानी पी ले, है ना? यार थोड़ा ठंडा लेके आ यार, ठंडा पानी लेके आ यार, कितनी तरीका है। बहुत ठंडा है यार, सुन जरा गर्म पानी लेके आ जा, गर्म पानी ले आ। पानी ही है ना? एक्चुअली क्या है भाभी जी, मेरा आज व्रत है। आज किस चीज का व्रत है? एक देवी है, वो मैं जिनकी पूजा करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, जिनसे इश्क करता हूँ, उनके लिए मैं व्रत भी रखता हूँ, रोजा भी रखता हूँ। कौन सी देवी है? मेरे सामने खड़ी है भाभी जी, जो मॉडर्न कॉलेज के सामने जो पहाड़ है ना, उससे करीब 20 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, अंगूरी देवी का मंदिर। हाय दी, हमारा नाम भी तो अंगूरी है। यस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हाउ डम ऑफ यू। हां तो हम चलेंगे कोनो दिन आपके साथ दर्शन करने। हां वो देवी जी के हम कहां बोल रहे हैं, अभी चलिए हमारे घर, व्रत किसी और दिन कर लीजिएगा। तिवारी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई है, मैं खा के रहूंगी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है।
मत खाइएगा भाभी जी, इसमें छिपकली है। छिपकली जी? कहाँ है छिपकली? ये है छिपकली। तिवारी जी, आपको मेरा बनना है गारंटर। अरे बिल्कुल तैयार है भाभी जी। है ना छिपकली, मैंने तो देखी नहीं थी। ये क्या कर रहे हैं, इसमें बहुत मिर्चियां हैं। अबे मुझे तो कहीं नहीं मिर्ची दिखाई दे रही है, क्या बातें कर रहा है बेकार। हाँ अब दिखाई दी।